गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज विवेकानंद सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इन हैंड। सो दोस्तों, काफी बार ऐसा सिचुएशन आता है कि एक्सेल में जो फीचर्स आए हुए हैं वो हमें मिलता नहीं है, या हमें लगता है कि यार ये मार्केट में तो आ गया है बट मेरे पास क्यों नहीं आया। इवन मैं सेम वर्जन यूज कर रहा हूँ जो मेरे कलीग्स या फ्रेंड्स के पास है, उनके पास वो फीचर्स आ गए, मेरे पास नहीं आया। और ये कॉमन सिचुएशन है जो मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। वर्जन तो सेम है बट कुछ तो मिस होगा और हम लोग शायद उसको ज्यादा सीरियस नहीं होते और हमें लगता है यार जब आएगा आएगा, देख लेंगे, अभी यूज नहीं कर पाएंगे। बट आप यूज कर सकते हैं। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट से कोई भी नया फीचर आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कोई भी नया फीचर आता है, यू कैन यूज दैट फीचर। सो फ्रेंड्स, वो एक सिर्फ जो डिफरेंस है वो है कि आप ऑफिस इनसाइडर के मेंबर नहीं हो। ऑफिस इनसाइडर होता क्या है आज मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा, कैसे आप उसके मेंबर बन सकते हो, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, एवरीथिंग। और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा बिकॉज देयर आर मल्टीपल स्टेप्स। अगर एक भी स्टेप मिस हो गया तो आप इसको अचीव नहीं कर पाएंगे। सो चलिए आज समझते हैं कि दैट व्हाट इज ऑफिस इनसाइडर, कौन ले सकता है, अगर लेना है तो किस वर्जन में एप्लीकेबल है, किस तरह से, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा एकदम स्टार्ट से लेके एंड तक। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं और इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया ऑफिस इनसाइडर, यस, सो आई हैव ओपन्ड द ऑफिस इनसाइडर वेबसाइट। ये आपके माइक्रोसॉफ्ट का साइट है। नाउ यहां पर थोड़ा सा समझते हैं कि ऑफिस इनसाइडर किसको मिलेंगे और किस तरह से आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। सो दिस इज insider.office.com। यहां पर आ रहा है गेट एक्सक्लूसिव एक्सेस टू न्यू फीचर्स एंड हेल्प सेव द फ्यूचर ऑफ ऑफिस, और यहां पर कुछ उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। आई विल गो विद दिस ज्वाइन नाउ। अब ज्वाइन नाउ जैसे ही करूंगा तो आई विल बी गेटिंग वन पेज, यहां पर सारे इंफॉर्मेशन आपके पास है। सो इट्स शोइंग ज्वाइन द ऑफिस इनसाइडर प्रोग्राम, बी द फर्स्ट टू सी व्हाट नेक्स्ट टू ऑफिस। नाउ ऑफिस इनसाइडर इज इंस्टॉल्ड ऑन ईच डिवाइस सेपरेटली। सो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज वी वॉन्टेड टू इंस्टॉल इन द पर्सनल सिस्टम्स। नाउ We have Windows, Mac, iOS, Android. तो यहाँ पर information दिया हुआ है that how to get your office. So ये सबसे पहले आ रहा है check your eligibility. So simple सा आपको ये समझना है कि आपको वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, because office insider सबके लिए applicable नहीं होता है, but yes ज्यादा chances होते आपके लिए वो eligible हो जाए। So यहाँ पर आ रहा है file में जाना है, account में जाना है, product information. So ये practical कुछ है जो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो समझना है, सो ऑफिस इनसाइडर के लिए सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे हमारे ऑफिस के दो वर्जन्स होते हैं, दो तरीके का अकाउंट होता है, एक तो होता है आपका वन टाइम परचेज और एक होता है सब्सक्रिप्शन। सो जो माइक्रोसॉफ्ट 365 है, पहले वो ऑफिस 365 के नाम से जाना जाता था, नाउ द नेम हैज बीन चेंज टू माइक्रोसॉफ्ट 365। सो माइक्रोसॉफ्ट 365 में अगर आप जाते हो तो यहां पर आपको दिखेगा ऑफिस इनसाइडर और यहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं इफ यू आर एलिजिबल देन। और अगर आपके बिजनेस एंड एजुकेशन सब्सक्रिप्शन लाइसेंस है तो कहां से मिलेगा, आपको मिलेगा आईटी टीम से। मतलब जैसे एग्जांपल लेते कि किसी कंपनी का आप एम्प्लॉय हो और आपको कंपनी ने सिस्टम दिया हुआ है विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 इंस्टॉल्ड, सो आपके आईटी एडमिन उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होता है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। नाउ परपेचुअल लाइसेंस, मतलब दिस इज वन टाइम जो हम परचेज करते हैं, जैसे 2019, 2016, 2021। सो टू ज्वाइन ऑफिस इनसाइडर प्रोग्राम यू मस्ट हैव अ सब्सक्रिप्शन वर्जन ऑफ ऑफिस, मतलब ये इस वर्जन में एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज दिस इज स्टैंड अलोन वर्जन, दिस इज परपेचुअल लाइसेंस। सो आपके पास सब्सक्रिप्शन प्लान होना चाहिए इफ यू वॉन्टेड टू यूज द ऑफिस इनसाइडर। मैं नए फीचर्स की बात नहीं कर रहा हूं बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट क्या करते हैं, सबसे पहले जो फीचर्स होता है वो ऑफिस इनसाइडर के मेंबर्स को मिलता है और फिर धीरे धीरे रोल आउट होता है बाकी सबके लिए। सो अगर आपके पास ये सारे वर्जन्स है या इससे कोई पुराना वर्जन है जैसे 2013, तो आपको नहीं मिलेगा बिकॉज दिस इज ऑनली अवेलेबल फॉर द सब्सक्रिप्शन। तो यहां तो ये कंफर्म हो गया कि ऑफिस इनसाइडर प्रोग्राम में जाने के लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 या आप जिसे बोलते हो ऑफिस 365 वो होना चाहिए। नाउ यहां पर कुछ ऑप्शंस दिखा रहा है, बीटा चैनल, करेंट चैनल, ये कुछ ऑप्शंस दिखा रहा है जो मैं डायरेक्टली जाऊंगा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, क्योंकि यहां पर देख के बहुत ज्यादा आपको समझ में नहीं आएगा जब तक मैं प्रैक्टिकली ना बताऊं। सो लेट अस मूव टू एक्सेल या कोई भी एमएस ऑफिस के एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। सो लेट अस ओपन एक्सेल और वहां से देखते हैं हाउ टू एक्टिवेट ऑफिस इनसाइडर इन टू आवर ऑफिस, लेट अस सी। सो आई हैव ओपनड ए न्यू एक्सेल वर्कबुक।
अब जैसे मैंने आपको वहां पर दिखाया था कि फाइल में जाना है, अकाउंट में जाना है, और अकाउंट में जाने के बाद यहां पर ऑफिस इनसाइडर आपको दिखेगा, बट मेरे में ऐसा कुछ भी नहीं है। आई डोंट हैव दैट ऑप्शन हेयर। आई हैव माइक्रोसॉफ्ट 365, मेरा इंटरप्राइज एडिशन है, बट वो ऑफिस इनसाइडर का जो ऐसा बटन है ना, ऐसा बॉक्स, वो नहीं दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताता हूं सबसे इजिएस्ट ऑप्शन क्या है। सो दिस इज योर सर्च बॉक्स, इसका शॉर्टकट है Alt Q, मैं डायरेक्ट चले जाता हूं, और यहां पर आपको सर्च करना है इनसाइडर। नाउ दिस इज शोइंग ऑफिस इनसाइडर, वाओ, लेट अस क्लिक ऑन दिस। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कुछ यहां पर आपको फॉर्मेलिटीज पूरा करना है, जैसे साइन मी अप फॉर अर्ली एक्सेस टू न्यू रिलीज ऑफ ऑफिस, इसे तो चेक करना ही पड़ेगा। यहां पर दो चैनल आते हैं, द फर्स्ट चैनल इज द करेंट चैनल विच इज द प्रीव्यू, एंड सेकेंड चैनल इज द बीटा। अब यहां पर दोनों में थोड़ा सा अगर मैं डिफरेंस की बात बताऊं, तो करेंट चैनल गिव्स यू अर्ली एक्सेस टू फुल्ली सपोर्टेड बिल्ड, फुल्ली सपोर्टेड, ध्यान दीजिएगा, जो ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका है, जिसमें कोई बग नहीं है, वो आपको मिलता है। दिस इज द प्रीव्यू चैनल, करेंट चैनल जो है। बीटा चैनल का मतलब हो गया इज द बेस्ट फॉर दोज हु वांट टू यूज द अर्लीस्ट प्रीव्यू बिल्ड टू आइडेंटिफाई इश्यूज, मतलब जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ डेवलप किया, हमारे पास आ गया, दैट इज नोन एज बीटा चैनल। तो आपको अगर नए फीचर्स को यूज करना है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया वी स्टैक के बारे में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बीटा चैनल में जाना, बिकॉज दिस इज नॉट ओनली विद द लेटेस्ट फंक्शंस, कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो एक डेढ़ साल पहले रोल आउट हो चुके होते हैं, बट हमारे सिस्टम पर नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू गो विद द बीटा चैनल। नाउ चेक फॉर एंड अप्लाई अपडेट्स फॉर ऑफिस, मतलब ये अगर मैं चेक कर लूंगा तो क्या होगा, अभी तुरंत अपडेट हो जाएगा मेरा सिस्टम, मेरा ऑफिस, जिसमें जितने भी नए फीचर्स है जो ऑफिस इनसाइडर प्रोग्राम का पार्ट है, वो आपको मिल जाएगा। एंड आई एग्री ऑन दिस वन। सो हमें क्या करना है, अगर सारे नए फीचर्स चाहिए, इंस्टेंटली चाहिए, आई विल बी गोइंग टू दिस बीटा चैनल। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके ऑफिस का जो आईटी एडमिन है, जहां से आपके ऑफिस को कंट्रोल किया जाता है, कॉन्फ़िगर किया जाता है, अगर वहां से कोई रिस्ट्रिक्शन है, सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। बट यस, अगर आपके पास ये ऑप्शंस दिख रहा है, आप अगर ओके बटन क्लिक करो, सारा काम हो रहा है, देन यू विल बी गेटिंग ऑल द न्यू फीचर्स। लेट अस सी, लेट अस क्लिक ऑन ओके। जैसे मैंने ओके किया, तो क्या होगा, ये अपडेट्स हो रहा है, चेकिंग फॉर अपडेट्स, और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा डिपेंडिंग अपॉन योर नेटवर्क एंड एवरीथिंग एल्स। अब आप देख रहे हो, दिस इज डाउनलोडिंग ऑफिस अपडेट्स। अब जो भी अगर मेरे सिस्टम पे नहीं था, वो अपडेट हो जाएगा। सो ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में होगा, आप चाहो तो इस पे एक्सेल पे काम कर सकते हैं, सिंपल, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब एक्सेल में कोई भी नया फीचर आता है, इवन इन इंटायर एमएस ऑफिस, यू विल बी गेटिंग द एक्सेस टू दोज फीचर्स। दिस इज एज सिंपल एज आई शोर यू। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑफिस इनसाइडर प्रोग्राम। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको यूजफुल लगा, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू ऑल दिस न्यू फीचर्स, नॉट ओनली इन एक्सेल, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट या इंटायर एमएस ऑफिस में जो भी नए फीचर्स आता है, यू आर रेडी टू यूज एंड रॉक इन योर ऑफिस। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज दिस इज योर चैनल। इसी तरह से मैं इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। सो स्टे कनेक्टेड, बिकॉज बहुत ही जल्द आऊंगा मैं एक नए ट्यूटोरियल के साथ, एक नए चैलेंजेस के साथ, एक नए लर्निंग के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय, एंड have a great day.